हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज हम हमारे सामने है टूसॉन 2022, जो कि आज लॉन्च हो चुकी है। कुछ ऐसा आपको एक्सटीरियर दिखाई देता है इसका, कि आपको साइड प्रोफाइल दिखाई देती है। साइड से आप कुछ 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 सीआरवी जैसी भी फील देती है, जो अपर बॉडी पार्ट है वो वाला। कुछ बैक से आपको इस तरीके की दिखाई देती है टूसॉन। तो आइए चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ और बात कर लेते हैं इसकी हेडलाइट के बारे में। तो हेडलाइट में जो है फ्रंट में आपको यहाँ पर DRL दे दिए गए हैं, ग्रिल के अंदर इंस्टॉल्ड है, कुछ अलग सा मिलता है। प्लस यहाँ पे हेडलाइट आपका, प्लस ये फ्रंट ग्रिल इसकी आ जाती है, इसी में फ्रंट कैमरा भी आ जाता है आगे की तरफ। और ये कुछ नीचे की प्रोफाइल इसकी, ब्लैक कलर की बीच में क्लैडिंग है, उसके बाद वही है आपकी ग्रिल ऊपर। और आइए चलते हैं इसके बोनट की तरफ और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर दो इंजन है, एक पेट्रोल और एक डीजल। डीजल जो है 2.0, पेट्रोल भी 2.0, प्लस डीजल जो आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ, पेट्रोल जो है 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ मिलता है। आइए चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में ये मिरर, और मिरर के नीचे आप देख पा रहे होंगे ये 360 कैमरा दे दिया गया है आपको यहाँ पर। तो कुछ ऐसा मिरर की फिनिश मिलती है, सिल्वर कलर का फिनिश मिलता है आपको, क्रोम नहीं है इसके अंदर, मैट सिल्वर है। ये ग्लाइडिंग जो टायर के ऊपर दी गई है, ये सर्कल ना करके स्क्वायर दे दी गई है। ये कुछ अलॉयज़। सो टायर साइज़ जो आपको मिलता है इसके अंदर, वो मिल जाता है आपको 235/60 और 18 इंचज़ के अलॉय मिल जाते हैं। अलॉय देखने में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो इसकी डोर हैंडल्स कुछ इस तरीके के मिलते हैं आपको, प्लस रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, कुछ अलग तरीके का रिक्वेस्ट सेंसर है। प्लस जो ये आपको कंटिन्यूस सिल्वर फिनिश दिख रही है, एक क्रोम से थोड़ी अलग है। प्लस आपको यहाँ पे रूफ रेल का भी ऑप्शन मिल जाता है, रूफ रेल तो नहीं कह सकते पर प्रॉपर पियानो फिनिश में कुछ रूफ रेल टाइप का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये कुछ इसकी बूट स्पेस, काफ़ी ह्यूज बूट स्पेस मिल जाती है। प्लस आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, प्लस लाइट, प्लस हुक यहीं पर मिल जाता है। प्लस आपकी ये वन टच सीट डाउन हो जाती है, यहीं से आप इसको हुक को खींचेंगे तो ये सीट जो है आपके पीछे चले जाएगी। प्लस ये आपका बूट का कवर मिल जाता है यहीं पर। तो ये सीट जो है अभी शायद अटक रही है किसी रीज़न से, यहाँ से आप इसको डाउन करेंगे तो मे बी हेड रेस्ट इसका और बेल्ट शायद कुछ अटक रहा है, बट यहीं से टम्बल डाउन, सामने हेड रेस्ट अटक गया बट हो जाती है, वन टच डाउन है, पूरा फ्लैट बोर्ड हो जाता है बूट में। प्लस इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट मिलता है, वन टच आप बटन प्रेस करेंगे तो टेल गेट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो ये कुछ इसकी रियल प्रोफाइल। प्लस इसी में आपको ये लाइट जो है इंटीग्रेटेड मिलती है, जो कि रियर स्पॉइलर में इंटीग्रेटेड है, मतलब ग्लास के अंदर आपको मिलेगा पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर कुछ, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है। हुंडई लोगों के पीछे इसका कुछ अडास का सेंसर्स वगैरह कुछ लगे हुए हैं। ये रियर लाइट जो कि टील का पूरा रियर लाइट में सेटअप किया गया, काफ़ी अच्छा ही लग रही है। इनवेन पीछे से मुझे ज़्यादा पसंद आई है ये कार, जो आप देखेंगे तो सामने से। तो ये रियर डिफॉगर जो कि प्रॉपर वर्केबल है हैलोजन लैंप के साथ। प्लस ये आपको पार्किंग सेंसर्स पीछे के मिल जाते हैं यहीं पर, ये टूसॉन की बैजिंग मिल जाती है यहीं पर। तो आइए चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। और यहाँ पे आपका स्टेयरिंग में जो है अप्रॉक्सीमेटली राइट साइड में आपको जो है सारे अडास के फंक्शन और MID के फंक्शन मिल जाएंगे, लेफ्ट में आपको सारे ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे। 9.5 इंचज़ की स्क्रीन मिल जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 10 इंच की स्क्रीन आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, प्लस MID के लिए भी मिल जाती है। सारा टच पैनल दे दिया गया है यहाँ पर आपको, टाइप्स दो आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। प्लस ये AC का जो पूरा वेंट है ये पूरा कनेक्टेड है पूरी कार में, तो कुछ अलग सा फीचर मिल। ये आपको ट्विन कप होल्डर, गियर लीवर, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट, ये ग्लव बॉक्स, प्लस इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सारे फीचर आपको यहीं पे मिल जाते हैं। होल्डर, ट्विन कप होल्डर सामने देख सकते हैं आप, तो काफ़ी अच्छा पैनल लग रहा है। प्लस ग्लव बॉक्स में काफ़ी इनफ स्पेस है, आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलता। ऑल्दो ये आपको फ्रंट में मिरर मिल जाता है, वैनिटी मिरर विद लाइट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, ऊपर की साइड आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्लस ये एक्सटेंडेबल है दोनों साइड के, यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हो आप इसको। सो फुल साइज़ की पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है इसके अंदर, सेम इधर भी आप लाइट का ऑप्शन मिल जाता है आपको मिरर के अंदर, प्लस आप एक्सटेंड भी कर सकते हो उस चीज़ को ऑल दो। तो ये मिरर आ जाता है आपका यहाँ पर, आपको यहीं पर ही जो है सारे लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, प्लस सनरूफ के कंट्रोल भी यहीं पे मिल जाते हैं। प्लस ये इमरजेंसी स्विच आपको मिल जाता है, जो टो करने के लिए हुंडई का कुछ ऑप्शन देता है ये सनरूफ का कंट्रोल। तो आइए चलते हैं इसके रियर की तरफ। तो रियर डोर में आपको कुछ पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाली है, प्लस ये भी चारों डोर में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है इसके अंदर। सो सीट्स पॉकेट्स कुछ आपको यहाँ पे मिल जाती है, मैश की है, प्लस पियानो ब्लैक फिनिश। ये रीडिंग लैम्प मिल जाता है आपको यहाँ पे, सनरूफ हैंडल, प्लस आपको यहीं पे
एसी वेंट्स मिल जाते हैं, रियर एसी वेंट्स, दो एसी वेंट्स दिए गए हैं, प्लस रियर चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं यहीं पे। प्लस आपको इसमें बॉस मोड जिसे कहते हैं वो भी मिलता है, यहीं पे रिक्लाइन का मिल जाता है, पीछे से आप साइड वाली सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, प्लस आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहीं से कुछ बॉस मोड का फीचर आपको यहीं पे दे दिया गया है, लाइक कैमरे में भी सेम फंक्शन आता था, तो उसी तरीके का ये फंक्शन यहाँ पर दे दिया गया है। तो कुछ रियर पे इतनी स्पेसिंग मिल जाती है आपको टोटल। सो ये आ जाता है आपका रियर का आर्मरेस्ट, ट्विन कप होल्डर के साथ काफ़ी चौड़ा आर्मरेस्ट है, प्लस आपको रियर सीट में रिक्लाइन का फंक्शन भी मिल जाता है। ये तीनों हेडरेस्ट आ जाते हैं आपके पास, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, प्लस रिक्लाइन के साथ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है सीट्स। ऑल दो सीट्स इसकी जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, प्लस आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, वाइट फिनिश में कुछ ऐसे मिलती है आपको सीट्स, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इसके अंदर। आपको को ड्राइवर सीट्स में भी फोर वे एडजस्टेबल सीट मिल जाती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है यहाँ। सो ये था पूरा ट्यूसन का वॉक अराउंड, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, हैव फन।